एमएलए मैडम कनीस फातिमा जी और डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो मैं बोलता हूँ एक बेहतरीन मैसेज जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट का एक मैसेज जाएगा, वुमेन रिजर्वेशन का एक मैसेज जाएगा, वुमेन मुस्लिम कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन का एक मैसेज जाएगा, और सब में बड़ी बात एक ही हिजाबी लेडी, एक ही हिजाबी एमएलए को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। यही मैसेज बेहतरीन रहेगा, इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को, हमारे कम्युनिटी को, हमारे लोगों को सेटिस्फाई करने। इकबाल अहमद सरर के साहब के बाद कोई माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट नहीं बने, बिल्कुल सही बात, मगर ये चीज को हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे साहब और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट जो अभी एमएलसी बने हैं जगदीप गुप्तेदार साहब और हमारे डिप्टी सीएम जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है जनाब डीके शिव कुमार साहब को हमारा डिमांड रखेंगे, हमारा नजरिया बताएंगे कि अगर आप मुसलमान को यह मौका देंगे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट बनने का, इंशाल्लाह हम पूरी कम्युनिटीज को लेके चल सकते हैं और हम सब एक होकर लेके चल सकते, बोल के एक मैसेज देके उनसे हम एक मेमोरेंडम देंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सूरत खजाना, अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बेग न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल, एनके नीट इंस्टीट्यूट एंड बाय अलीमी पब्लिक स्कूल। जिस तरह से मुंगरगे में कांग्रेस को जीत मिली है और बीजेपी को बहुत बड़ी हार मिली है और खास करके मुस्लिम एरिया से उनको काफी लीड मिली है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तमाम गुलबर्गा के वोटर्स को, खास करके नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए मैडम कनीस फातिमा जी के वोटर्स को, तमाम माइनॉरिटीज़ को, तमाम समाज के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ इस जीत के लिए। ये जीत सेक्युलर वालों की जीत है, सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे यकीन करने वालों की जीत है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे यकीन करने वालों की जीत है और संविधान को बचाने के लिए जो हम लोग ने इस तादाद में वोटिंग करके हमारे एमपी कैंडिडेट जनाब राधाकृष्ण साहब को जीत हासिल किए एमएलए मैडम कनीस फातिमा जी की लीडरशिप में, मैं तमाम लोगों को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और हकीकी बात यह है कि आप जैसे देखे कि जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए वो हिसाब से हमारे लोग ने ये बता दिया है कि जब हम एक होके वोट डालेंगे, एक साथ होके वोट डालेंगे तो क्या परिणाम आ सकते हैं, क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये नॉर्थ के लोग ने भरपूर वोट डाल के हमारे एमपी राधाकृष्ण साहब को जिता के पार्लियामेंट भेजा है और उन्होंने कल शपथ भी ली एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये तमाम वोटर्स की जीत है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की जीत है, संविधान की जीत है और सेक्युलर वालों की जीत है। इधर से सागर खंडे जी ने एक सीनियर कैंडिडेट एमपी को हरा कर इतनी लीड से आना, वो भी कहीं ना कहीं इधर में कुछ डेवलपमेंट की बात जो नहीं हुई इसलिए नए चेहरे को चुना गया लगता है, तो क्या लगता है सर सागर खंडे उस चीज पे खड़े उतरेंगे जिस चीज के लिए जनता ने उन्हें चुना? बिल्कुल खड़े उतरेंगे, उनके पिताजी ऑलरेडी एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे कर्नाटक स्टेट में एक एमएलए हैं, उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और जहाँ तक मैं सागर खंडे जी को जानता हूँ वो यंग है, पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है और ये एज में, सच्चे यंग एज में, एक कम उम्र में इलेक्ट होना छोटी बात नहीं है। लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, लोगों ने उन पर विश्वास जताया है क्योंकि एक एजुकेटेड फैमिली से एक यंग ग्रोथ, एक यंग टैलेंट को ऊपर लाने की कोशिश की है बीदर वालों ने और उनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि सागर खंडे जो हैं वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और उनका विजन मैं देखा हूँ, जो उनको समझा हूँ, बहुत ही बड़ा विजन है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, यंग यूथ में एक अवेयरनेस लगाने से लेकर रिलेटेड, ये सब चीज़ें सागर खंडे जी में हैं और बीदर की आवाम जहाँ तक मैं समझता हूँ वो कभी निराश नहीं होंगे सागर खंडे जी से। सब में बड़ी बात यह है, एक बात आपके माध्यम के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ कि सेक्युलर लोग कभी भी कामयाब होंगे, जो सबको लेकर चलते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जीत हासिल करें। सर जमीर अहमद खान साहब को बोला गया कि एक माइनॉरिटी को डिप्टी सीएम बना दिया गया, उसके बारे में क्या कहना? जो डिमांड हाउसिंग मिनिस्टर जनाब जमीर अहमद खान साहब रखे हैं बहुत वाजिब डिमांड है, मुसलमानों का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एज ए डिप्टी सीएम, बहुत ही अच्छा वाजिब डिमांड है, मगर इससे थोड़ा मैं अलग इत्तफाक रखता हूँ। ये इत्तफाक रखता हूँ कि अगर कोई माइनॉरिटी में से डिप्टी सीएम बनाया गया तो
तीन चार एमएलए हैं जो माइनॉरिटी से जीते हैं, जैसे कि तनवीर सेठ हैं, अरशद रिजवान साहब हैं, ज़मीर अहमद ख़ान साहब हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा डिमांड ये है, मेरी सोच ये है कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ देखा गया, एक हिजाबी लेडी जो अकेली पूरे कर्नाटक स्टेट में जीती है और उनको डिप्टी सीएम बनाया गया तो कैसा रहेगा। एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी को और डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो मैं बोलता हूँ एक बेहतरीन मैसेज जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट का एक मैसेज जाएगा, वुमेन रिजर्वेशन का एक मैसेज जाएगा, वुमेन मुस्लिम कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन का एक मैसेज जाएगा। और सब में बड़ी बात, एक ही हिजाबी लेडी, एक ही हिजाबी एमएलए को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो इससे बेहतरीन मैसेज मैं तो समझता हूँ कि नहीं रहेगा। यही मैसेज बेहतरीन रहेगा, इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को, हमारे कम्युनिटी को, हमारे लोगों को सेटिस्फाई करने का। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, समीर अहमद खान साहब जो बोलेंगे डिप्टी सीएम एक माइनॉरिटी को देना चाहिए, वो माइनॉरिटी मैं चाहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हिजाबी एमएलए एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए और वो इस कैपेबल है, उन्होंने ये सेकेंड टाइम जीता है, लोगों को लेके चला है और ये मैसेज ग्रास रूट तक जाएगा कि हुकूमत कर्नाटक ने एक हिजाबी एमएलए को डिप्टी सीएम बनाया। सर माइनॉरिटी से और एक बात सामने आ गई है, गुलबर्गा में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो सीट अब खाली हो चुकी है, इकबाल अहमद सरड़ी साहब के बाद आज तक कोई भी माइनॉरिटी से प्रेसिडेंट नहीं बना है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इकबाल अहमद सरड़ी साहब के बाद कोई माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट नहीं बने, बिल्कुल सही बात है, मगर ये चीज़ को हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे साहब और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट जो अभी एमएलसी बने हैं जगदीप गुप्तेदार साहब और हमारे डिप्टी सीएम जो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं जनाब डी के शिव कुमार साहब को हमारा डिमांड रखेंगे, हमारा नज़रिया बताएंगे कि अगर आप मुसलमान को ये मौका देंगे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट बनने का, इंशाल्लाह हम पूरी कम्युनिटीज़ को लेके चल सकते हैं और हम सब एक होके लेके चल सकते हैं, बल्कि एक मैसेज देके उनसे हम एक मेमोरेंडम देंगे और उनको उसकी ज़रूरत बताएंगे और उसके बेनिफिट्स बताएंगे। अगर एक मुसलमान माइनॉरिटी को आप डीसी से बनाएंगे तो क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें चेंज हो सकते हैं, और वो कोशिश जारी है और हम एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital, NK NEET Institute, and by Alimi Public School.